जय हिंद दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्या हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा से संबंधित जो प्रश्न थे उनको देख रहे थे। हमने अभी तक 20 प्रश्न पढ़े, अब उसके बाद आगे अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कह रहा है ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, पूर्वी या पश्चिमी? तो आपसे बता दें कि पश्चिमी हिंदी के श्रेणी में आएगी। किसमें? पश्चिमी। पूर्वी में तो केवल बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी थी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो हमारा कौन सा पार्ट सही है? ठीक, ये देखिए फिर से व्याख्या करके बता रहा है। क्या बता रहा है कि खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, ये सारी पश्चिमी हिंदी की मुख्य भाषा है। आगे चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, क्या कह रहा है, मगही, क्या कह रहा है, मगही किस भाषा की बोली है? तो आपसे बता दें मगध एरिया यानी बिहारी। कौन सी? बिहारी, मगध एरिया में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, तो ये देखिए बोल भी रहा है मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी और मैथिली भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक ठीक, मिथिला, मिथिला नगर से यानी माता सीता जी के नगर से ही इसका नाम पड़ा मिथिला यानी मैथिली। ठीक, ये ध्यान रखना। और मिथिला का यानी मैथिल कोकिल बोला जाता है, किसको? विद्यापति को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आपसे बताया था सौर सैनी अपभ्रंश से। कौन सी? सौर सैनी। तो सी पार्ट पूरी तरीके से सही है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है क्या कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी? तो कब की गई थी? 1956 ईस्वी में। ठीक, जब बना था राजभाषा आयोग। ठीक, और ये 1953 में बना था, इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में लगाई थी। और अगर पूछा जाए भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य, तो पहला गठित राज्य था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। ठीक, तो इस हिसाब से इसमें कौन सा सही है? 1956। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया, भाषाई आधार पर, किस आधार पर? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था 1953 में। तो हमारा कौन सा पार्ट सही है? डी पार्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बघेली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपसे बता दें बघेली का संबंध हमारी पूर्वी हिंदी से है। किससे? पूर्वी हिंदी से। ठीक, देखिए बस तीन चीज़ें याद रखना, एक अवधी, एक बघेली, एक छत्तीसगढ़ी। ये हमारी जो हैं ये किस हिंदी की तरफ की बोलियां हैं? पूर्वी हिंदी। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलते हैं आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तिथि पूछा है, तो आपसे बता दें 14 सितंबर 1949, यानी संविधान बनने से, मतलब संविधान लागू होने से पहले, 1950 को लागू हुआ था, उससे पहले ये कहा गया कि हमारी कोई भाषा होगी। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, यानी 14 सितंबर 1949। और इसी वजह से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए क्या कह रहा है, 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान के भाग कौन से, भाग 17 में और अध्याय 343 के फर्स्ट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, भाग 17 और आर्टिकल 343 का पहला, राष्ट्र की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी देवनागरी क्या लिपि होगी, क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था। ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है
1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बीजी खेर। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब लगाई थी? 1956 में। कब लगाई थी? 1956 में, ठीक, तब लगाई थी। तो 14 मतलब केंद्र शासित, मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इसमें पहले अगर लगाएंगे तो कौन? बीजी खेर, ठीक। ये देखिए किस तरीके से दिया गया, व्याख्या भी देख लेते हैं। कह रहा है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे, ठीक, वही बी खरे, या इसको शॉर्टकट में बोलेंगे बीजी खेर। संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति राजभाषा आयोग के गठित करने का अधिकार है, ठीक। अगर राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार है तो वो किसके पास है? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल 3, तभी बताया 343 से चालू होता है, तो यहाँ तक, यहाँ से अब सब बातें बताई जाती। इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया। बीजी खेर को उस समय राजभाषा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति को सौंपी। और पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन? आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22, ठीक। प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषा थी। फिर एक जुड़ी जिसका नाम था सिंधी, हो गई 15। फिर 3 जुड़ी, 3 जो थी वो नेपाली, फिर मणिपुरी और कोंकणी, ठीक, ये तो हो गई 18। फिर लगातार 4 जुड़ी जिनका नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इस तरीके से हमारी कितनी भाषाएं हैं इस समय मान्यता प्राप्त? तो 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो इसमें कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन सही है डी पार्ट, ठीक। ये देखिए स्वयं बता रहा है व्याख्या करके, ये देखिए 8वीं अनुसूची में भाषाओं संबंधित है, 22 भारतीय मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, ठीक। कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा, नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया और 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया, तो अब 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया? देखिए जब आदि जननी कह दे तो फिर केवल संस्कृत, ठीक। अगर कह दिया हिंदी का उदय या हिंदी किससे आई तो फिर अपभ्रंश था, लेकिन जब आदि जननी कह दे तो आदि जननी में संस्कृत ही आता है, ठीक। और ये बिल्कुल सही क्रम है, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, ठीक। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपसे बता दें मॉरीशस में। कहाँ पर? मॉरीशस में। तो बी पार्ट सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, ठीक। तो भारोपी परिवार की अगर भाषा जो नहीं है वो आपको बता दें वो कौन सी है? मलयालम जो है वो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो सी पार्ट पूरी तरीके से सही है। ये देखिए भारोपी परिवार की भाषाओं में यानी यूरोप में भी कुछ हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ये सब इसी परिवार की भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको अभी बताया था 14 सितंबर 1949 को भारत की ये भाषा बनाई गई थी हिंदी, तो इस हिसाब से 14 सितंबर। तो कौन सा पार्ट सही है? हमारा ये पार्ट सही है। और ये देखिए क्या कह रहा है, क्या रहा है कि 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय लिया गया कि हमारी जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा इस दिन के महत्व को देखते हुए
14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत के पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या था। फिर से बता दें आपको, सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, और फिर उसके बाद सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक, अपभ्रंश या अवहट। तो अब इसमें पूछा है प्राकृत के पूर्वकालीन, तो प्राकृत के पहले कौन सी है, पाली। तो इस हिसाब से हमारा ए पार्ट सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों, देखिए क्या कह रहा है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, दो बोलियों का सही युग्म है। तो अब देखिए इसमें अवधि की वजह से नहीं आएगा। ठीक, अगर इसमें देखते हैं तो इसमें बघेली की वजह से नहीं आएगा। ठीक, अगर इसमें देखते हैं तो इसमें छत्तीसगढ़ी की वजह से नहीं आएगा, इसका मतलब खड़ी बोली और बुंदेली। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा ऑप्शन होगा, देखा जाए तो डी ऑप्शन पूरी तरीके से होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है अर्धमागधी, क्या कह रहा है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है कौन सी। तो आपसे बता दें अर्धमागधी कह दे तो कौन सी, बघेली। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर से यही क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही विकास का क्रम है, सही विकास का क्रम है। तो अब अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में देवनागरी लिपि आई है, तो सबसे पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर नागरी और फिर देवनागरी। तो उस हिसाब से कौन सा पार्ट आपका सही होगा बताइए। ठीक, सी पार्ट सही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली, बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो अगर देखा जाए तो आप स्वयं बता सकते हैं कि इस एरिया में कौन सी बोली बोली जाती है, क्या अवधी बताइए या ब्रज भाषा। और पहले तो ये बताइए पूर्वी हिंदी की है कि पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है कि पश्चिमी हिंदी की है। तो आप अगर बताएंगे तो अगर आप अवधी लगाएंगे तो बिल्कुल सही है। और अवधी यानी किस तरफ की भाषा है आप बता दें, तो ये पूर्वी है कि पश्चिमी है आप बताइए, तो ये पूर्वी हिंदी की है। ठीक, आगे देखते हैं। तो यानी ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि किस जिले में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए अवधी हिंदी क्षेत्र की एक उपभाषा है, यह उत्तर प्रदेश की अवध क्षेत्र, और देखिए अवध में कौन कौन आएगा, लखनऊ, रायबरेली, ठीक, इसके अलावा सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, अंबेडकर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और फतेहपुर में भी बोली जाती है, कौन सी, अवधी। और ये जो इतने यहाँ से यहाँ तक है ये अवध क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अवध बोला जाता था। ठीक, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी जो भाषा बोली जाती है वो अवधी है, लेकिन अवध क्षेत्र इतना है, ये अवध क्षेत्र। ठीक, चलते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो किस बोली का बिहारी, देखिए मगही मगध से, भोजपुरी बिहार से, मैथिली मिथिला से, तो अवधी का संबंध इससे नहीं है, क्योंकि अवधी का संबंध किस हिंदी से है, पूर्वी हिंदी से, पूर्वी। और इनका संबंध किस हिंदी से है, बिहारी हिंदी से। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए पार्ट पूरी तरीके सही है। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो आपसे बता दें राजभाषा का दर्जा दिया, किसका दिया, राजभाषा का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। तो इस तरीके से हमने कवर किया क्या, ये 40 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला, ठीक, जो कि
हिंदी भाषा से संबंधित है और ये अधिकांश प्रश्न हमने वो लिए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। तो इस तरीके से हम आपके लिए और भी प्रश्न लाते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।